दरअसल जो मेरे पिताजी हैं उनको 2017 में ट्यूमर की प्रॉब्लम बताई थी, तो उस टाइम ऑपरेशन करा लिया, फिर रेडिएशन हुआ, अब दोबारा चलने फिरने में दिक्कत हुई। तो अब कह रहे हैं कि पहले कह रहे थे साइड इफेक्ट है रेडिएशन के, अब कह रहे हैं ट्यूमर है, बहुत गंभीर है और कोई इलाज ही नहीं है, आप घर ले जाओ, जितने टाइम बचेंगे हमें नहीं मालूम। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी काफ़ी इमरजेंसी में भाग के आए हैं आपके पास, किसी ने अनजाने में जिक्र कर दिया था। दरअसल जो मेरे पिताजी हैं उनको 2017 में ट्यूमर की प्रॉब्लम बताई थी, तो उस टाइम ऑपरेशन करा लिया, फिर रेडिएशन हुआ, अब दोबारा चलने फिरने में दिक्कत हुई। तो अब कह रहे हैं कि पहले कह रहे थे साइड इफेक्ट है रेडिएशन के, अब कह रहे हैं ट्यूमर है, बहुत गंभीर है और कोई इलाज ही नहीं है, आप घर ले जाओ, जितने टाइम बचेंगे हमें नहीं मालूम। फोटो है, फोटो है पापा का, निकाल, आप देखो, आप स्वयं देखो जी। आपको स्वयं देखना है, फिर हम बताते हैं पापा को क्या है जी। इनके ब्रेन में स्वेलिंग है और गलत उनका प्रेडिक्शन है, गलत उनका डायग्नोसिस है डॉक्टर्स का। ठीक, हृदय में क्लॉटिंग है, हार्ट के पास किडनी गड़बड़ हो रही थी और उनको एक छोटा सा माइल्डली एक हार्ट अटैक उनको पड़ा है, उनको कष्ट हुआ है, ये बीच में चेस्ट में उनको कष्ट हुआ, ये भी कष्ट आया है, माइल्डली अटैक हुआ है उनको। आप फोटो देखो, ठीक है, वो डॉक्टर समझ गए कि जरा सा छुआ इनको तो ये खत्म हो जाए जी। ये डॉक्टर समझ गए, जो करना था उन्होंने पहले ही सब नष्ट कर डाला। पढ़ लो, जो गोल घेरे में लिखा ये आपके पापा के रोग और कष्ट थे, देख लो ये सब थे कि नहीं, अच्छे से पढ़ लो जी। गुरु जी मिला लो सारे लोग कष्ट, यही थे जी। जी अब ये स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं, ठीक है जी, सारी स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं, वो जो जितनी सब चीज़ें थी ये सब लिखी हुई हैं उनके संबंध में, जहाँ जहाँ उनको दिक्कत थी, ठीक है जी। जो कमर के नीचे कष्ट होंगे जांघों में, ये सब पस भरा हुआ है, लेफ्ट साइड थोड़ा सा कम काम करने लग गया। हाँ हाँ सही कह रहे हो, तो अभी ये सब स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं, अभी आपको हार्ट में बताया ना, हार्ट की उनको माइंडली इनको झटका एक लगा है हार्ट पे, उसकी उसी समय उनका गया है जो एक साइड गया है, ठीक है ना जी। तो अभी आपको एक दिशी महावन तत्काल कल कर लेना चाहिए प्रातः, तत्काल। हाँ कहाँ रहते हो? पानीपत से आए हैं गुरुजी। अभी तो टाइम होगा तुम्हारे पास, कल कर सकते हो। ओके, तो कल कर लो, निशुल्क है वो, एकदम सुबह सुबह उसको कर सकते हो बेटा, ठीक है, करिए फटाफट करिए, ताकि पापा के आपका स्वास्थ्य और अच्छा हो, असाध्य रोगों की स्मृतियाँ नष्ट हो, बाकी तो ठीक है, करो करो, प्रयास तो कर ही रहे हो, डॉक्टर साहब तो मना कर ही चुके हैं कि हरिहर है, लेकिन तुम प्रयास ठीक कर रहे हो। मम्मी की भी मानसिक हालत खराब हो गई है इस वजह से बेटा, किसी के पति का ऐसा होगा, किसी की मानसिक हालत खराब हो जाएगी, है ना, अभी अच्छी है, प्रार्थना संकल्प बोलना करना है उनको, ठीक है, खुश रहो, पापा जैसे कष्ट उनको ही बन रहे थे।